इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। विशाल खबर के दर्शकन का केशव तिवारी का राम राम। सोना दादू कार्यक्रम में हम मेरे साथ आज ददोली भाई बैठ लागे, तो आज हम पांच फेर कुछ मुद्दन में चर्चा करब जौन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चर्चा करें पहले ददोली भाई, इस समय नवरात्र चल रही है और नवरात्र माने हिंदुस्तान विंध्य क्षेत्र की तो बात छाड़ दी, सगला हिंदुस्तान जौन है वो धर्म कर्म वाला देश है। हाँ, पूरा देवीमय हो जाते हैं, पूरा देवीमय हो जाते हैं। इस समय जहाँ जहाँ देवी विराजी हैं वहाँ वहाँ कहाँ न कहाँ माने ट्रेन के भीड़ और बस के भीड़ माने मंदिरन में लाख लाख दर्शनार्थी जौन है वो जा रहे हैं और सब जगह नगड़िया ढोलकी सुना रही है। हाँ, नगड़िया ढोलकी जहाँ जौन जैसे भजन कर भजन कीर्तन हो सकत है। हाँ। तो जैसे जौन बन सकत है वो हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो हम पांच कोनो चर्चा शुरू करी ऐसे पहले ऐसा लागत है कि नवरात्र के समय में जौन यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत विंध्य क्षेत्र में भगत जौन मानी जाती, तो एक ठे जो हम अपने दर्शकन का जो भगत सुनवा दी तो कैसे रही? अरे बड़ा नीक हुई भाई, अपन काम शुरुआत हुई यही भगत से। हाँ, मैंने मैंने जैसे कहा था कि अब नवरात्रि के अवसर में जब हम पांच कोनों बातचीत की शुरुआत करी तो जो माई के आराधना से जो शुरुआत हो जाए। हाँ, तो कैसन रही? अरे बढ़िया रही, चर्चो नहीं कही हुई फिर। तो हमारे बीच में जौन है वो ब्रजलाल द्विवेदी। हाँ, और पूरे उनका टीम ही। हाँ, हम बैठ जा। हाँ, तो वो माँ अपना जो सुनब। हाँ, तो अपना का नीक लागी माने। हाँ, भगत का मने ही कहा था कि जो भगत सुननी है तो मरो आदमी एक बेर जिंदा हो जाता है। हाँ, मैंने ऐसा नगड़िया जब आ जाती। हाँ, तब फिर लागत है कि रोमा बिल्कुल ठाड़ हो गए माने, नगड़िया सुन के मरे वो आदमी के एक बेर अब हुआ की इच्छा हो ही जाती, तो सुन लीन जाए। नमस्कार बंधुओं, आप लोग देख रहे हैं विशाल चैनल। विशाल चैनल हमेशा आपके साथ जुड़ करके भारत की संस्कृति, भारत के त्यौहार, भारत के मुद्दे, भारत के राजनीतिक परिवेश पर आप सबको सबसे मिल करके चर्चा करता है। आज चूँकि ये नवदुर्गा का नवरात्रियों का समय चल रहा है, इसलिए विशाल चैनल की ओर से आप सबके सामने प्रस्तुत हैं देवी जी। हमारे इस कार्यक्रम में जैसा कि हमारे चैनल के कलाकार, हमारे विंध्य क्षेत्र के गायन में जिनकी अपनी पहचान है ब्रजलाल द्विवेदी जी हमारे साथ हारमोनियम में हैं और हमारे सहयोगी कलाकार के रूप में रमेश जी ढोलक में हैं, सौखी लाल जी नगड़िया में हैं, अशोक सेन जी हैं, बाबू जी हैं हमारे साथ, और अनिल सेन जी और हमारे साथ राम जस यादव जी, उमेश जी ये सब हमारे साथ संगत करेंगे। आपके सामने प्रस्तुत है हमारे बिंद का परंपरागत गायन भगत, जिसे हम लोग कहते हैं देवी गीत भी उसी को कहते हैं। तो लीजिए हमारे मार्गदर्शक, हमारे परम आदरणीय और विशाल खबर के लिए अपना सदैव हर दिन हर पल अपनी सेवाएं अपना योगदान देने वाले हमारे बड़े भाई ददुली पांडे जी और हमारे समस्त कलाकार, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज माता जी की आराधना का ये दिन हम सबको प्राप्त हुआ है। चलिए अपनी लोक संस्कृति, लोक कला के संरक्षण संवर्धन के लिए हम सब पुराने गीतों की ओर लौटते हैं। हमारे पूर्वजों के जो गीत हुआ करते थे उनको दोहराते हैं। भगत हमारे विंध्य क्षेत्र का बहुत ही लोकप्रिय विधा रही है माता की आराधना का। चलिए वंदना करते हैं माई शारदा की, क्योंकि हम शारदा माँ की इस नगरी में जन्म लेने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए भगत का आनंद लें। अरे प्रथम वंदना करु माई सारद,
अपना पांच अबे सुनन ब्रजलाल जी के भगत और हमी उम्मीद ही कि अपना पाचन का नीक लाग हुई। और ये भगत के बाद अब हम नवरात्रे से चर्चा शुरू करी थे अपन। ददोली भाई नवरात माने हमारे माने हिंदुस्तान के जो जनता ही वो धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन अब नवरात्र में कुछ ज्यादा धर्म कर्म हो जात है। माने रोज सकारे उठ के जल चढ़ाओ, पूजा करब, व्रत रहा। कुछ लोग तो नौ नौ दिन का व्रत रखते थे। ये पूजा पाठ तो हर घर में माने आदि काल से चला आ रहा है। ये टाइम कुछ ज्यादा है, ये टाइम कुछ माने नंग कुछ लोग तो यहाँ तर व्रत ले थे कि नौ दिन बुआले नहीं, बुआले नहीं। कुछ लोग नौ दिन तक नहीं जूता नहीं पहने, चप्पल जूता सब माने नंगे पाव रहे आवत है। और अच्छे से अच्छे दारू खोर नौ दिन दारू छोड़ दिए थे। दारू मुर्गा मांस मदिरा सब छाड़ दिए थे। ओ कहा दे रहे कि नवरात्रि के बाद हो। हाँ, अब जब हुई तो माने नवरात्रि चल रही है। हाँ, एक जने काल मिले हमसे तो हम कहें का भाई कैसन। हाँ, तो कहें ये समय नवरात्रि है, सब बंद है ये समय। हम ये समय माने तो माने बड़े बड़े पियक्कड़ जौन है और बड़े बड़े माने मांसाहारी नवरात्र में माने बड़े धार्मिक हो जाते हैं। लागत है कि अब इनसे बड़ा पुजेरी कोनो को है ये नहीं ये नहीं है। लेकिन ये सब चर्चन के बीच में एक महत्वपूर्ण चर्चा यही कि जब इतना धर्म कर्म हमारे देश में है, जौने हिसाब से लोग देवी देवतन के यहाँ चाहते हैं वह हिसाब से, तो फिर हमारे यहाँ अन्याय अत्याचार जुल्म ईर्ष्या या माने ये सब चीज तो दिखाई ना पड़ा चाहिए। भाई कई एक बेर तो ऐसा लागत है कि हम पूजा कर रहे हैं, तीन घंटा पूजा करें, चौथे घंटा को आवत और रिश्वत दी तुम चुप पे हुई जेबा में डाल दिए। तो ये कौन मेर के पूजा आए। पहले एक चीज रही अपना का कि मने ही कहत रहा कि जब कोनो अन्याय अत्याचार जोर जुल्म की जब बात हो तो लोग कहें देखा भाई को देखा है ना देखा है
भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं हो, ये टाइप के बात बहुत सारे लोग कहते रहे। तो अपना का क्या लागत है कि ये जो उन धर्म कर्म है या दिखावा है, या धर्म कर्म लोग वही वास्तविकता में जी रहे हैं, या धर्म कर्म अब एक धंधा व्यापार होगा, अपना ही कौन रूप में ले थे? हाँ, बहुत अच्छा तिवारी जी, बहुत अच्छा सवाल अपना के है। सब दर्शकन का राम राम। देखिए तिवारी जी, कहा है कि या जितना अपना कह रही जिज्ञासा ही जी, या सनातन धर्म से संबंधित, हाँ, और ये जौन ये सब आयोजन हो रहे हैं, लोग जौन मेर कर रहे हैं, ये सब सनातन धर्म के एक संस्कृत का हिस्सा है। सनातन धर्म अपने आप में परिमार्जित धर्म रहा है, और बड़ा रिसर्च करके माँ एक संस्कृतियन का वृद्धि कीन गई रही है। तो ऐसो अपन जौन जितने त्यौहार जितने जौन कुछ बने रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम से बने रहे हैं कि जैसे देखी होली अब पीछे चलत, हाँ, होली चलत रही थी एकदम श्रृंगार रस का, हाँ, फूहर पान। और अब हमने होली में यह कहा था कि जेठो जो वो देवर ला, देवर ला रहे, वो तो मान लिया ठीक है, कबीर एक प्रथा रही गायन के, हाँ, कि जेमा एकदम खुल्लम खुल्ला, हाँ, अश्लील रहत रही, अश्लील रहत रही, तो यह चला। और उसके बाद जस्ट 10-15 रोज के रेस्ट के बाद फिर लोग धर्म कर्म में हो जाते हैं व्रत। ओखर मतलब यह रहा कि भाई श्रृंगार रस से निवृत्त हो के अध्यात्म वहीं आवा जौना है वह आवा। अच्छा, यह बीच में जितने सामाजिक बदलाव भी जिन्हें हम पंचे जाने नहीं पाए, धीरे 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 सामाजिक बदलाव होते रहा थे। अब अपना एक जमाने में देखे रहे हो आप, समाज में कौनों न कौनों प्रथा, कौनों न कौनों पद्धति, या कि कौनों न कौनों एक ऐसा विधा आवती कि जो वह टाइम समाज का प्रभावित करे थी। एक टाइम अपना देखे रहे हो आप अपने सत्रह माही कि गुंडागर्दी का समय रहा, हाँ, मैंने जे एक थे दूठे मर्डर कर ले, लोग वही देखने लागे फलाने जा रहा ढिकाने जा रहा, मैंने उखर 10-20 थे समर्थकों खड़े हो जाते, 10-20 थे समर्थकों हो जाए, खूब नाम हो जाए उखर, वह एक दौर हम अपना पंच देखे सब जने, लेकिन वह दौर अब खत्म हो गया। ऐसे समाज में अश्लीलता का एक दौर चला, भयानक तौर से चला, जैसे अपना कल परसों चर्चा में आई उनसे ब्रजलाल द्विवेदी जी से चर्चा करत रहे कि भाई का बात ही कि सोशल मीडिया में जो उन तमाम ये अश्लीलता आवत जाती है, तो ऐसे समाज में विकृति आवत ही, तो ये यहो मेर के एक दौर चला, लेकिन यह बहुत स्थायी दौर नहीं होता ही जो होते। अब लोगन के दिमाग जो तो एकदम धार्मिकता में है, यह टाइम हम जौन देख रहे हैं, या चाहे थोड़े दिन का हो तिवारी जी, लेकिन यह दौर जौन चल रहा है तो एकदम धार्मिकता का दौर चल रहा है। जहाँ जहाँ धार्मिक आयोजन होते तो लोगन का हुजूम अपना नहीं देखी थे मैंने अब अपना देखी। एक चीज़ और, अपना जो उन्हें धार्मिक चर्चा कर रहे हैं तो पहले जो उन भागवत कथा होत रही है, हाँ, वो भागवत कथा का जो उन स्तर होत रहा है, ओकर प्रचार जो होत रहा, हाँ, जो उपस्थिति होत रही वो बड़ी सामान्य जो सुने वो इनके घर मैंने सुन ले। लेकिन अब जब कोनो भागवत कथा होती तो बड़े बड़े पंडाल बना, बड़े बड़े मैंने लाखन करोड़न रुपया हुआ भागवत कथा, मुरारी बापू उनके कथा 10-10 करोड़ रुपया में होती भाई। अबे तो हाल ताज में विंध्य क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण कथा रही वो मऊगंज में राम स्वामी राम भद्राचार्य जी करी, हाँ, हाँ, तो वह कथा थोड़ी सी महत्वपूर्ण रही। तो मैंने अब जो कथा ही वह अब 1,000-2,000-5,000-10,000 मैंने हजारन में कोनो कथा हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अबे ऐट डाली बाबा में भाई राम यज्ञ भा और पीयूष दास जी वाली कथा भाई, तो वो 10-15 लाख रुपया खर्चा आवा, तो खर्चा जितना हुआ था। अच्छा, लोग जौन है तो अब आवत है, हाँ, कथा सुने लोग आवत है, तो वह हमारे यह समझ में आवत तिवारी जी कि सनातन धर्म के संस्कृत की तरफ तो लोग लौट रहे हैं और फिर से वह अपने परंपरा अपने संस्कृत की कई ती लौट रहे, लेकिन सनातन धर्म का आए एक पीछे भाव का रहे ऐसे अब अनभिज्ञता ही। ये जो लौट रहे हैं लोग उनका झुकाव धर्म के प्रति बढ़ा, हाँ, वहाँ तक तो ठीक है, हाँ, लेकिन जो उन्हें हिसाब से धर्म कर्म दिखा रहा है वह हिसाब से जुल्म अत्याचार भ्रष्टाचार, हाँ, ये चीजन के कमी हो चाहिए लेकिन जितना लोग धर्म में अपन
रुचि दिखा रहे हैं, जितना धर्म के प्रति लगाव दिखा रहे हैं, वह हिसाब से जोर जोर में भ्रष्टाचार शून्य हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन जौने जौने हिसाब से धर्म कर्म बढ़ रहा है, वह हिसाब से जोर जुल्म अत्याचार हुआ बढ़ रहा है। हाँ हाँ। तो और मजेदार बात तो कई बेर तो यह देखात है कि जो धर्म कर्म में लोग इन्वॉल्व है, हाँ, वो ज्यादा कर रहे थे, वही ज्यादा अत्याचार और अत्याचार कर रहे थे। तो ओखर ओखर वजह हमें यह लागत है कि ये जो धार्मिकता का अर्थ आडम्बर अर्थ आडम्बर जो आएगा, लोग अब यह जानत नहीं है कि यह हम काहे आ कर रहे हैं। जैसे यह सबको जाना चाहिए कि भाई परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये गोस्वामी जी लिखिन यह वेदनों का सारा है कि भाई दूसरे के कौनों मेर से हमारे कारण अनभला ना हो, तो हमारे कारण कोई को पीड़ा ना पहुँचे। यह सनातन धर्म के मूल सिद्धांतन में है, यह धर्म है हमारा। तो लोग सनातन धर्म के मूल सिद्धांतन की तरफ तो जा नहीं रहे। अहीं जो उन बड़े बड़े पंडाल लगा के कथा बचकाओ आवत है, तू अपने कथा के सिर्फ रोचकता बढ़ावा थे। हाँ, गाय के फिल्मी धुनन के बजाए के अच्छे अच्छे संगीतक गण का बैठा दिए, तो उसे कहा लोगन कर बैठ तो कथा में है लेकिन मजा संगीत का ले रहे हैं। उन यह बताने का प्रयास नहीं करें कि हमारा सनातन धर्म आय का हमें यह कथा सुनने के बाद करा का चाहिए, यह कि हम देवी अब जैसे देवीन जी के देखी, अब अपना बताते रहें देवी जी माँ, अब सुनन की काल 1.5 लाख आदमी का, हमारे 1.5-2 लाख लोग रोज रोजे रहा थे, 1.5 लाख अन्ना रोज माही कम से कम 20-25 लाख आदमी जाई वहाँ। लेकिन देवी जी के यहाँ दर्शन करे के बाद हमारा जीवन कौन मेर हो चाहिए या हम नहीं जान पा रहे हैं। और यही ना जो धर्म के ठेकेदार बने, आजकल धर्म के ठेकेदार को है, धर्म के ठेकेदार इन कथावाचक हैं अधिकांश तया, आया कि दो चार शंकराचार्य मंकराचार्य जो उन्हें मैं उन्हीं मैं, तो ओ कौनो न कौनो ये सारी सब मजा महतिवारी जी, मतलब सिर्फ दान पुण्य के तरफ उनकर दान पुण्य भीड़ माला बस अग्वाल लई परवाई बस इतने तरफ ध्यान है। और यह जनता का कौन दिशा में ले जा चाहिए, यह कौनो न कथा वाचक कर रहा है, न कौनो धर्म के लम्बरदार ये झंडावरदार लोग कर रहे हैं, न को समाज में ही काम करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, न यह दिशा में वह को काम कर रहे हैं। वही अब कौनो आयोजन होगा हम ओखर हिस्सा बन गए, हमू मजा ले रहे हैं भीड़ का, 10-5-15-50 आदमी कथा बाचकन का अगर माला पहरा इस ग्वाल नहीं पड़ा, 2-4-6 हमारो ले पड़े, तो हम लोग अब ये सब भीड़ बाद जो चला हवे और यह जो बेफालतू दिखावा के रिया जो कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे कौनो अर्थ होने वाला नहीं है। लोगन का रुझान तो धर्म की तरफ बढ़ा है और आगे बढ़ी, यूं मोह नहीं है। लेकिन यह जो भीड़ आए रही धर्म कहती, यही दिशा दिखावे वाले इनकी अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वो जिम्मेदारी लेकर तैयार नहीं। अब जैसे अपना एक चीज़ देखी कि हम कई एक मंदिरन में दर्शन करेंगे, हाँ, मैहर में यह शिकायत नहीं आए, हाँ, हम नामों न ले आपके कौने मंदिर में, लेकिन कई एक मंदिरन में, हाँ, हाँ, यह स्थिति है कि अपना गए, हाँ, अब मान ली अपना पाछे पहुँचन, तो वहाँ पंडा और मंदिर के दलाल जो उन्हें, हाँ, सक्रिय रहते हैं, हाँ, अब अपना मान ली पाछे हैं, तुम कहें कि 200 रुपया दया या 500 रुपया दया, तो हम तो ही आगे से, अब जो दलाल हैं वो पंडा हैं वहाँ के लोकल आए, तो उनका अपना विरोध हो नहीं कह सके, तू पाछे वाले आदमी का लेके गए और आगे दर्शन करा दें। अब अपना ये बताई कि जब हम दर्शन करेंगे इन हैं, धार्मिक काम करेंगे इन हैं, तो ये दर्शन करने वाला है वह को यह सोचना चाहिए कि यार ये हम गलत काम काहे कही रहे काहे कही रहे, दूसरा ये कराए रहा है, हाँ, वह को यह सोचना चाहिए कि कौन कौन हम, हाँ, अच्छा यह तो देखी बदमाशी हुई है तिवारी जी पंडन के, और हर आदमी सुविधा चाहत है, 2-4-5 सौ अपन दिन ही सुविधा, मैंने आप जौने जगह में तुम जा रहे हैं, हाँ, कम से कम मैंने हम चला कथा सुन रहे हैं, हाँ, तो कम से कम उमा मेहनत के पैसा के घी खरीद लिया, हाँ, चोरी के पैसा के अगर तुम, हाँ, घी खरीद, लेकिन लेकिन दुख तब हुआ देती बारी कि सरकारों हमार जौन है जी, यह मामले में जौन अपना कहन ना, हाँ, यह मामले में सरकारों सरकार का देखिए, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है जी, जौन उज्जैन वाला महाकालेश्वर मंदिर है जी, तो वहाँ विधवत ये नियम बना दी नहीं थी कि अगर अपना कहीं स्पर्श करें को शिवलिंग का, तो इतने पैसा के रसीद कटा लिया, तो स्पर्श करें को मिल जाएगी,
अब ये बताइए नासिक अपना जाई तो मैं निर्धारित है कि अपना 1500 रुपया के रसीद कटाई तो अपना के शिवलिंग के लगे से दर्शन हो जाइए और स्पर्शो कर सकी थे और अगर पैसा नहीं देता है तो चढ़ा देते कि आए ऊपर और एक शीशा लगाए हैं बस वह शीशा में देख ले कि वहाँ तड़े बैठे में त्र्यंबकेश्वर महाराज। बताइए भैया तो यह विषमता जो है सरकार का खास कर मुद्दन में ध्यान दे चाहिए कि भाई हम तो सबका सरकार आए ना छोटे आदमी के रहा है नहीं तुम जेखे लाने या पैसा माने जी 1500 दे दीस हाँ उन्हें छुई लीस हाँ हकीकत आई 1500 रुपया देने वाले वोटो डाले नहीं जाए अजय तुम ही वोट देते जो तुम ही सरकार में बैठाई सी वो बेचारे 2 किलोमीटर दूरी से दर्शन दूरी से मुलुल निहारते वहीं से कर लेते चाहे वहाँ से कर लें चाहे अपने घर बैठे कर लें कि हे महाकालेश्वर हमारा कल्याण करे तो ये विषमता तो हई सबका व्यवसायीकरण हो रहा है तिवारी जी जैसे कथन का व्यवसायीकरण होगा अब कथा का माने दर्शन माने भगवान के दर्शन का व्यवसायीकरण भगवान के दर्शन का व्यवसायीकरण हो रहा ये पता नहीं हमारे देश पूर्व और अपना अब एक चीज और देखिए एक विषमता और तमाम मंदिर मठन जहाँ दर्शनार्थी जात है हाँ वहाँ का है कि जो उन्हीं प्रसाद बेचे वाले लोग हैं हाँ एवं बेचारे माने वो दर्शनार्थी का लूटा थे 2 रुपया का सामान 20 रुपया में देते माने चप्पल धराई पैसा ले लेते पैसा ले लेते मैं लेकिन हमार कहो वहाँ न मंदिर के ट्रस्ट न कहो सरकारी तौर से ही सुविधा नहीं है कि भाई हम जा रहे हैं दर्शन करें तो हम चप्पल कहाँ ठेता है हाँ। हम अपन गाड़ी कहाँ ठाड़ कर दी हम 2 मिनट बैठ कहाँ ठे ले यह व्यवस्था तो मंदिर के ट्रस्ट और सरकारन का करा चाहिए जो आजकल सरकार सगले बड़े बड़े मंदिरन का अधिग्रहित कर लेने से और अपन व्यवस्था बनाए हैं वहाँ और वो व्यवस्था में त्रुटि ही है कि पैसा दे के दर्शन भगवानों के लगे पैसा मान ले हमरे लगे नहीं आ पैसा तो हम दर्शन न करे पाओ तो हम जीवन में काल में अपने भगवान के दर्शन न कर पाओ न छुए पाओ और ठीक है न छुए पाओ पर सब को छू जेके लगे पैसा है नहीं जब अपना ये बात करिए जैसे अब ये सरकार की बात आ गई हाँ। सरकार कहती कि हम अंत्योदय हाँ। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के विकास करा चाहिए थे हाँ। तो विकास माने तो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हाँ। खड़ा समाज के मुख्य धारा में ले आवा ले आ जो तो समाज का मुख्य धारा में अपना माने यह दोहरा चरित्र भला हाँ कई तो एकदम दोहरा है भाई माने बुनियाद से न चला यह तो शेष वाला काम है भगवान बैठे में हाँ, सब, दर्शन सबका दर्शन मिले सबका दर्शन मिले अब एमा यह जो जोड़ दिन कि 1500 दयाए कि 1000 दयाए कि 500 दया तब लगे तक जाइया आ नहीं वहाँ दूरिन से दर्शन कराया अपन अब बीच बीच में चौथेरिया उतो जा थी मैं हाँ मैंने डंड की आगे बढ़ा अच्छा मजेदार बात यही कि जो आगे बढ़ावे वाले लोग हैं मैंने प्यारों से कह सकते कि भाई आगे बढ़िए आगे अरे तो पकड़ के मिचिक दे थे मैं वहाँ तो मैंने भगवानों के द्वारे तुम अपन ताकत दिखाता है अब अच्छा तो है कि तुम छोड़ दिया भैया हम अपने व्यवस्था से दिया कब जौन मेरे दिया कहें भगवान का सरकारीकरण न करा यह समाज में होना चाहिए लेकिन यह सब खत्म होगा कथन का व्यवसायीकरण होगा सामाजिक उपदेशन का प्रवचनन का व्यवसायीकरण होगा अब हम मान ला कौनों बड़े महात्मा का सुनना चाहते तो पहले लाख करोड़ रुपया का इंतजाम करी तब उनका प्रवचन हाँ, मैंने आज तक हम कौनों बड़े संतन के हाँ? कथा गरीब बस्ती में नहीं सुने नहीं सुने आऊ कबू करवो न करिए का करिए हाँ? उन्हीं बड़ा पंडाल चाहिए छोट बस्ती तो के पहले बता देते कि भाई इतना पहले दे दिया हाँ मैंने कथा वाचक पहले अपने अकाउंट में 2-4 लाख रुपया जब डार ले हाँ। डरवा ले तब वहाँ से वो हिली हाँ तब फिर उनकर कलश यात्रा रथ यात्रा निकल थी और अगर पैसा दें कि नहीं आए छोट बस्ती में को दे भाई पैसा यहीं से देखा बड़े बड़े आयोजन जितने हो थे मई अरे अब सबसे बड़ी बात इन्हीं बड़े आयोजन के आगे तिवारी जी अपना समाज के बहुत छोटी छोटी चीजें इनका देखी सत्यनारायण कथा विलुप्त हो गए जो उन गरीबन के सत्यनारायण की कथा रही वो खत्म कि भाई थोड़ी कौनों खुशहाली का समय आवा ये कि कौनों हमारे घर में उत्सव हो ही रहा कुछ नहीं कर सकी हमारे लगे नहीं आ ज्यादा पैसा रुपया तब अपन एक पंडित जी को बुला के सत्यनारायण की कथा सुन ली अब तो रामायण 5000 रुपया में होला माने साधारण रामायण अगर अपना सुंदर कांड कराई हाँ, तो अखर फीस ही 5000 रुपया अखंड रामायण करावे के तो अपना के फीस ही वो अखर फीस ही 15000 रुपया यतर के साथ ऐसे घर हमरे परंपरा एक रही कि सांझ के नहीं लोग 4-6 आदमी हर गाँव में बैठ के नहीं रामायण गा लिया पहले अखंड रामायण होते रही तो मैंने गाँव
पड़ोस के लोग माने इकट्ठा है क्या अपन सब एक एक दो दो घंटा गाय में चलेगी चलेगी। और अब तो अपना का जो घंटा दो घंटा वाली रामायण अपने घर में करवा में का है को 5000 तो और माने दो घंटा माई माने 5000 का बिल बनी जात कि या स्पीकर चाहिए या माइक चाहिए या फिर 500 रुपया इनका गवैयन का चाहिए तर करके 2-4-5 हज़ार का बिल बन गया। अब यह हम कहते कि देखिए पूरा धर्म का जौन है तो व्यवसायीकरण हो ही रहा है और यह चिंता का विषय है कि अब व्यवसायीकरण जब हुई तो धर्म कहाँ बची जहाँ थोड़ी बहुत जहाँ अर्थ रही बड़े आदमी के बीच में और छुटकाए कहा करें उनका तो सत्यनारायण हरा गई पंडितों जी से जो कहा कि सत्यनारायण की कथा सुने के तो कहा तो भाई अब हम नहीं सुनाई सत्यनारायण अब हम रामायण गांव में जाए लगा। हाँ अब हम दूसर वो करी थे तो और तुम पूजा करा हाँ, जब शनि के पूजा करा हाँ, जब भागवत कथा होती तो हम जाप करें जाई थी तो वहीं में हम 5-10 हज़ार पा जाए 5-10 हज़ार पा जाए हम कहे कथा सुनाई तो कथा न पंडित सुनावता है न कथा को सुनाता है। और पहले कहा रहा कई चीज के परिवर्तन हम देखें पायन तिवारी जी ये बीच में आई पहले कहा रहा कि कौनो आयोजन हो कुछ हो छोट बड़ा मनाई को हो ते कहें भाई पांठे बामन खवा दिया अब वो बामन खवावे वाली पद्धति खत्म अब भंडारा चल रहे हैं कुछ हो तो भंडारा कुछ हो तो भंडारा पता चला वो भंडारा जो हो रहा है वो माने जूता पहन के खाना बन रहा है जूता पहन के लोग खाई रहे हैं को बना रहा कैसन बना रहा पवित्रता से बना रहा कि कैसन बना रहा या को नहीं देखा था बस जा अब तो बहुत जन जैसे हमारे अपना पंचन कसन कि भाई हमें नहीं मिले टाइम भंडारा भंडारा खाए का नियुक्ता कर इनके भंडारा का तो मूड़े आएगा भंडारा वह रात के पूड़ी बनवा लिया है तरकारी वरकारी आप बनवा बनबू के भंडारा सकारे शुरू कर दे हैं भंडारा भंडारा तो वह भाव जो उन एक समाज के अंदर रहा कि भाई हम पांठे वामन खवा दी या कि हम सत्यनारायण की कथाएं सुन ली वो भाव अब विलुप्त हो ही रहे हैं अब सिर्फ दिखावा रहेगा अब सिर्फ दिखावा रहेगा हम भंडारा कर रहे हैं हम रामायण करा रहे हैं भागवत कथा करा रहे हैं भागवत कथा करा रहे हैं अब होड़ लगी पिछले साल हमरे इनके सेठ मारवाड़ी सेठ अग्रवाल सेठ सार में वह पट्ठा करवाए तो भागवत हफ्तन जऊँ है तो मारवाकर शागिर्द हुआ तो हम पूरे शहर मोहल्ला कर बा कि हम 1 करोड़ के भागवत कराएं किस जया किशोरी जी के तो दूसर वाला कहिस कि अब मैं कराई हूँ मुरारी बापू के 1.5 करोड़ के अरे 10 करोड़ के माने अब यह मैं होड़ लागे लाग और वह जया किशोरी जी के कथा मैं को कितना सुनीस कहा सुनीस एक तो भागवत के कथा वाचक थे जौनी कथा वाचक ये सबसे बड़े अपराधी हैं श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत काय आए श्रीमद् भागवत काहे कौन परिस्थित में राजा परीक्षित का सुखदेव जी सुनाई कौन मेर या मोक्ष का साधन आए या कुछ नहीं बता बताए वो हम जीवात एक छोटी सी कथा है श्रीमद् भागवत में तिवारी जी पुरंजन पुरंजनी के वह कथा के माध्यम से माने सुखदेव जी राजा परीक्षित का जीवात्मा और परमात्मा का संवाद बताएं कि एक जीवात्मा परमात्मा के लगे राहत रही तो कैसन होकर जीव उगा तो कहें कि अब मैं कुछ दिन भ्रमण कर आऊँ फिर परमात्मा सोचिन कि यार देखी वह है कहाँ तो ये कर जो वह कथा पुरंजन पुरंजनी के नाम से ही या श्रीमद् भागवत कथा के जान आए वही कुशलौती नहीं है आज तक हम कौनों कथा वाचकन के पुरंजन पुरंजनी की कथा नहीं सुने सुनावत नहीं कुल मिला के सगला खेल यह है कि दुई लाइन कथा सुनाई गाय बजा के अपन टाइम पास कर ली और आधा घंटा में फिल्मी धुन में भजन गा दी हाँ और वहीं में नाचे वाले के फिर जौन होड़ लगा थी हाँ नाचे वाली और नाचे वाले बस मैंने अब भागवत कथा नाच नाच गाना तक सीमित हाँ जौन श्रीमद् भागवत हमारे कलयुग में मोक्ष का संसाधन मानी जात रही कि मान लिया कौनो आत्मा भटक रही है या कि कौनो माने ऐसा विषम परिस्थिति उन विषम परिस्थिति में अल्पकाल में मोक्ष कैसन हमका प्राप्त हो वो अखर संसाधन रही श्रीमद् भागवत वह श्रीमद् भागवत कहीं कथा वाचक इतने बड़े बड़े आए वो मनोरंजन का साधन वो मनोरंजन का साधन तिवारी जी बन गए तो निश्चित रूप से हमारे समाज जौने तो अस्त व्यस्त है समाज कौन दिशा में जहाँ चाहिए वही कुछ दिशा नहीं मालूम भेड़ चाल चल रहा है भेड़ चाल चल रहा है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा माने पैसा पूरी कथा का अगर अपन सार कही हाँ। कि कथा सुनावे वाले एक चीज कहते कि माया मोह त्याग दीजिए माया हाँ। मोह त्याग दीजिए हाँ। और हमारा अकाउंट नंबर ये है इसमें इतना पैसा डाल हाँ। दीजिए अरे हम बताए थे
दिखावा, दर्शनों में दिखावा, जैसे लाख डेढ़ लाख के भीड़ काल भय वहाँ, हम अपना सतना ही क्या है, हम अपना अब कई बेर गए हो आप देवी जी, या अपना जानी हम जानी है, और अब चाहे तो हम पंच सकारण पहुँच पहुँचे नहीं पहुँच पाए वहाँ, लेकिन ऐसे कि हम दिखावा नहीं, हम समझ में भाई, हम ये मानी थी कि देवी बदली नहीं है, हम कभी जब भीड़ भड़का न रही तो चले चले जाए, और हमारा ससुराल ही दिल्ली में, अब दिल्ली वाले 15 रोज पहले से तैयारी करे रहे, हमरे लगे संदेश आवा कि फूफा जी हम लोग आ रहे हैं शारदा देवी के दर्शन करने, हम कहे यार इस समय तुम लोग आ रहे हो भाई तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, तो कहीं तो आप इंतजाम करोगे ना, हम कहें हम करीब जो इंतजाम था अपने खुद चले ले, हम खुद चले जाए, पर दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, मार रियालम रेल चल रहा है, मैंने पढ़ाओ लिखा है आदमी, हाँ एक चीज ये समझ में नहीं आ गई कि भाई धक्का में कितना निकाह दर्शन हुई जाई, हाँ धक्का में अब पहिए वही है ना दर्शन, हाँ बस वही गई चुंदिया के वो दो तीन चार ठाल रहा थे पुलिस वाले बिल्कुल सामने, तो अब हम गए अब बीच वहीं, तो हम तो कनो नेता सुतरी आए तो उनके साथ गए, तो मान लिया वी आई पी की ना ही बैठा दिए, चढ़ गए नहीं आए वहाँ से, तो हम पंचे तो मान लिया ठीक से दर्शन, हाँ, लेकिन ये समय जो उन व्यवस्था ही वो सब व्यवस्था, लेकिन और जो उन लोग रहे तो उन्हीं पकड़ ऐसा मिचकत रहे कि लागत दर देखे पावत रहे देवी जी के, तो रहे देखे पावत रहे, बस वो ऐसे जय हो माई करके अपन बेचारे निकल जाते, तो यह समाज में जौन यम के विकृति आ रही है, निश्चित रूप से जौन धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, मोदी जी भले बड़ा भारी कॉरिडोर बनवा दे बनारस में, यहाँ बनवा दे उज्जैन में, मथुरा काशी अयोध्या, लेकिन ये जौन यह एक मौलिक प्रश्न है, यक्ष मौलिक प्रश्न जौन खड़ा है कि हमारे देश का समाज सनातनी समाज सनातन धर्म का बिना समझे भीड़ तंत्र में बदल रहा है, और ओकर मतलब नहीं समझ रहा है कि एकर सबका मतलब का है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम जी के दर्शन का अर्थ का आया यह हमारे मन में नहीं आए, राम जी के मर्यादा का आया, राम जी के आचरण का आया है यह हम अपने जीवन में नहीं उतारा चाहिए, हम अयोध्या में जा के नहीं दर्शन करके और सेल्फी खींच के 10 जगह सेल्फी खींच के बता दे कि हम अयोध्या में जो नवा मंदिर बन गया वहाँ देख ही आए बस, अब एकर परंपरा बढ़ गई, कथावाच को अपन जो उन्हें गायन बजाइन अपन पैसा दान दक्षिणा लेने चले गए अपन, तो यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी तिवारी जी ये टाइम जो है इन्हीं के कि जो धर्म के ठेकेदार बने थे, धर्म के जो ध्वजा लय के चला थे, देखी थे सब कई कथा वाचकन में वो छत्रव लागत है, उनका चांदी का सिंहासन लागत है, धर्म का दंड खड़ा रहा था, माने जौन अपने इनके संन्यास परंपरा रही कि ये संसारिक माया मोह से छोड़ के बाबा बन रहे, वह संत कहा ये देश के अंदर, अब तो वैभव वाले संत का माने मुंह का हलवा के नीचे बात है नहीं, काजू किस्म हम कहते हम अन्न ग्रहण नहीं करते, हम ड्राई फ्रूट या अब तुम काहे का अन्न ग्रहण करो भाई, अब ये जब चाल और तुम माया से विरक्त हो गया, पर ये चांदी का छत्र चांदी के धर्म दंड सोने के धर्म ध्वजा लेके जो तुम चल रहा है, और सारा का सारा वैभव इकट्ठा हो के धर्म की तरफ जा रहा है दिखावा की दृष्टि से, हर मंदिरन में देखी कुंटलन सोना धरा है, जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है तो उन तो सब मजे में है, यही से नहीं एक रोज है कावल तिवारी जी, ये थोड़ी अपने चर्चा से हट के है, हमारे मन में आ गया कि यार ये भगवान के अवतार कब हुआ करे थे, चूँकि वो लाइन से हम जुड़े मनैया हैं, ठीक है समाज में काम करत रहें पर लेकिन हैं तो धार्मिक आयोजन से जुड़े हैं, तो हमारे मन में यह आवा कि यार भगवान का अवतार हुआ कब है, तमाम किताबन का पढ़त तो एक चौपाई कहे तो गए कि जब जब हो धर्म कर हानि, हाँ तो हम कहें अब कहूँ नहीं मिल रहा है या खरहाल, तो अब हम अपन रामचरित मानस है देखी, तो रामचरित मानस में मिला हमें जैसे अपना कहें कि जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा हरें सकल सज्जन कर पीरा, एक तो यह हो गया लेकिन यह फिट न समझ में आवा हमरे, हम कहें कि और पुख्ता कारण कौन ना है, तो एक जगह समझ में आवा राम जन्म हो, जब हम कहें यहीं थे कहाँ थी मिली, तो एक दोहा है वहाँ विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित मयो माया तन गोपार करके ऐसे कुछ वहाँ है कि माने जब ब्राह्मण
तकलीफ में हो, तकलीफ में हो तो धरती माँ, और जब गऊ तकलीफ होती धरती माँ, जब देवता तकलीफ होते धरती माँ, और जब संत तकलीफ होते धरती माँ, तब भगवान निराकार रूप छोड़ करके ये धरती में साकार रूप में अवतरित होते। तो संत तो ऐसे में सब मजे में। अच्छा, तो हम कहें तो भाई अब बात का ही नहीं आया भगवान हाँ। का अवतार हाँ। हम कहें ब्राह्मण का सब एक कई से लय पन ही दौड़े हैं, पूरा समाज दौड़े है, ब्राह्मण से ज्यादा दुखी को नहीं आती, ब्राह्मण दुखी है, गैयन के देखती रहे हाँ, खाद बगती है, काटे डाल रहे थे लोग, हाँ काटे डाल रहे थे, जब भर दूध देती तब भर दूध निचो ही ना पर फिर छाड़ दी, कहीं ना कहीं यहाँ बागत थी वहाँ बागत थी, अब दुई डंडा यहाँ पास दुई डंडा, तो विप्रधेन तो दोनों दुखी हैं, 50% तो होगा ना भगवान के अवतार के जो उन प्रमुख कारण है उनमें 50% होगा। अब ये टाइम सुर संत मजे में है, 50% जो संत है नहीं, जितना अब यही समझी कि जितना ब्राह्मण भयानक दुखी है समाज में, जितना गौआ गई गैया भयानक दुखी है समाज में, ओसे दुई गुना मजे में देवता है, ओसे 10 गुना मजे में संत है, तो सूर्य संत तो मजे में है। तो फिर अवतार हो ही कैसन, अब अवतार हो ही कैसन, तब हम पंचचू की बामना है, तो यह देखी कि अवतार के तो बहुत कारण हो सके थे, हम पंचे रही ना रही तब कभी का भाई नहीं, लेकिन हमें ऐसा लागत है कि जो उन संत है जो हाँ। वास्तविक पैमाने में यही संत कहा जा सकत है हाँ। वो कहाँ कहाँ दुखी हुई है अब हो देखिए तो दिखा तो नहीं है कहा मने हिंद से नहीं दिखा रहे कि जो वास्तविक संत है हाँ। जो इनका आवरण इतना बड़ा पड़ गया इतना बड़ा, जो समाज की चिंता कर रहा है, जो समाज की चिंता कर रहे थे वही प्रचार की जरूरत नहीं हुए, वही हम जाने नहीं पाई हाँ। वो अपन चुप है अंदर है अंदर अंदर है अंदर। अच्छा एक बात है तिवारी जी, हम ही पंचम का इनसे सूर्य संतन से कहा ना चाहिए कि तुम भाई हमरे कंपनी के मनैया है, जो मेरे तुम पार्ट आए भगवान के अवतार के, तब मेरे हबू आए तब तो अपने मजा में हबू को शामिल करा ना करिए ना। देखिए एक चीज का होता अगर हम उनके मजा में शामिल हो जाए तो ब्राह्मणों मजे में हो जाए, अगर यो अगर उनके देखिए वो कहा है कि जो भर्ती नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता जानत है कि भर्ती नहीं करना चाहता, तो कुल मिला के यह है, लेकिन संतों कहो ना कहो तकलीफ में है, जौन वाकई में संत है हाँ। जे पढ़ी नहीं, जे भागवत जानत है, जे हाँ। माने ओकर अब अपना देख ली शंकराचार्य जी है, तो का शंकराचार्य का अपना कभी टीवी में देखे हाँ, नहीं देखी, कहो प्रवचन करत अपना देखे जल्दी हाँ, हाँ। वो तो एक थे आदेश बता दिए ना, माने वो सब तो कहो ना कहो वो तकलीफ में है हाँ। हम तो ये समाज का देख रहे हैं माने सही बात यह है कि जितने देश के अंदर शंकराचार्य हैं उन्हीं बहुत सारे लोग उनका नाम ही नहीं जाने, नहीं जाने, लेकिन ये कथावाचक है। अरे अब मिंटन में फेमस होते, मैं था बागेश्वर धाम हो इनके रहे, अब एक रोज अपना बैठाए रहे उन्हों की दुकान खूब हाँ, चल गए, खूब चल गए, भीड़ लागे लागे गए, कई जना हमें लागे कि भाई तिवारी जी से कह दे हाँ, कि फोन कर दे, फोन कर दे तो हमारा पर्चा लग जाए, हमारे लोग कई एक फोन आए, तो कुल मिला के यह जो धर्म कर्म वाला मामला है तो बड़ा गंभीर हाँ। अब यही भगवान ने बचावे, बाकी हाँ। हमारा हमारे अपना के हाथ में तो कुछ नहीं आए, समाज में देखी को न को आई हाँ, कि समाज के फिर निराश नहीं आए, तो हम पास अपने कार्यक्रम का समापन करी हाँ। एक ही पहले हमें लगा था कि फिर इट्ठे भगत सुन लीन जाए तो पुन हो जाए इट्ठे।